दोस्तों हुमेश प्रमेय लीग का जो ऑप्शन हमें मुंबई में देखने को मिला, वही इस ऑप्शन में कुल 409 खिलाड़ी हिस्सा थे, जिनमें से सिर्फ 90 खिलाड़ी बिकने वाले थे। इस ऑप्शन में सबसे 10 महंगे खिलाड़ी, उनका लिस्ट हमारे पास आ चुका है, तो उनके बारे में आज की वीडियो में आपको बताने वाले। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बन रहे। तो आप भी हुमेन आईपीएल के बड़े वाले फैन हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें, जिससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। वही हुमेश प्रमेय के ऑप्शन में भी कुल 5 टीमें थी, जो मुंबई इंडियन, दिल्ली कैपिटल, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, यूपी वॉरियर एंड गुजरात जायंट, ये 5 टीमें थी जो हुमेश प्रमेय लीग में इस साल हिस्सा लेते हुए नजर आने वाले थे। वही इस ऑप्शन में 10 सबसे महंगे खिलाड़ी, जो इस ऑप्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी बिकते हुए नजर आए, जो 10वें नंबर के खिलाड़ी है वो है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर को 1,80,00,000 देकर मुंबई इंडियन ने अपनी टीम में शामिल की। वही इस ऑप्शन में जो 9वें खिलाड़ी सबसे महंगे बिकने के लिस्ट में हुए ऋचा घोष। ऋचा घोष को 1,90,00,000 देकर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अपनी टीम में शामिल। वही इस ऑप्शन में जो 8वें खिलाड़ी सबसे महंगे बिकने के लिस्ट में हुए पूजा वस्त्रकार को 1,90,00,000 देकर मुंबई इंडियन ने अपनी टीम में शामिल की। वही इस ऑप्शन में जो 7वें खिलाड़ी सबसे महंगे बिकने के लिस्ट में हुए शिफाली वर्मा को 2,00,00,000 में दिल्ली कैपिटल ने अपनी टीम में शामिल की। वही इस ऑप्शन में जो 6वें खिलाड़ी सबसे महंगे बिकने लिस्ट में हुए बैफ बुनी को गुजरात जायंट ने अपनी टीम में 2,00,00,000 में शामिल की। वही इस ऑप्शन में जो 5वें खिलाड़ी सबसे महंगे बिकने लिस्ट में हुए जिमांगी रेडिगल्स को 2,20,00,000 में दिल्ली कैपिटल ने अपनी टीम में शामिल की। वही इस ऑप्शन में जो 4थे खिलाड़ी सबसे महंगे बिकने लिस्ट में हुए दीप्ति शर्मा को 2,60,00,000 देकर यूपी वॉरियर ने अपनी टीम में शामिल की। वही इस ऑप्शन में जो 3रे खिलाड़ी सबसे महंगे बिकने लिस्ट में वो एस्टर्नर गार्डनर को 3,20,00,000 देकर गुजरात जायंट ने अपनी टीम में शामिल की। वही इस ऑप्शन में जो 2रे खिलाड़ी सबसे महंगे बिकने लिस्ट में हुए नतीशा स्काइवर को 3,20,00,000 देकर मुंबई इंडियन ने अपनी टीम में शामिल की। वही इस ऑप्शन में जो सबसे महंगे खिलाड़ी हो स्माथी मांदना को 3,40,00,000 देकर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अपनी टीम में शामिल की। आपकी क्या राय, फर्स्ट सीजन कौन सी टीम जीत सकती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। हम मिलते हैं धमाकेदार वीडियो से, तब तक के लिए गुड।